दोस्तों तो रिव्यू करेंगे इस वीडियो में फ्लूकोल्ड AF सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी बीमारी में दी जाती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जानेंगे सब कुछ। हो देखेगा, देखिए फ्लूकोल्ड AF सिरप एक ब्रांड नेम है वेलस कंपनी का। वेलस कंपनी बनाती है, लगभग हर दवाई की दुकान पर मिल जाती है, तो ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है। दोस्तों इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी बच्चों के डॉक्टर छोटे बच्चों में यानी 1 साल से लेकर 3-4 साल तक के बच्चों में प्रिस्क्राइब करते हैं, लिख के देते हैं। तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों कई बार छोटे बच्चे को जुखाम की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिन है। कहने का मतलब है अगर बच्चे के नाक से पानी आ रहा है, नाक बंद रहता है, गले में दिक्कत है बच्चे के, तो वहाँ ये दी जाती है। जुकाम की प्रॉब्लम है, वायरल की प्रॉब्लम है, अगर खांसी भी आती है तो वहाँ पर भी काम कर देती है। अगर बच्चे को हल्का फुल्का जुकाम है तो वहाँ ये दी जाती है, अदर मेडिसिन के साथ साथ चलाई जाती है ट्रीटमेंट में। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं 2 सोल्ट, पहला है फेनिला प्रिन और दूसरा है क्लोराफिनरामिन। दोस्तों फेनिला प्रिन एंटी कोल्ड सोल्ट है, जुखाम की प्रॉब्लम काम करता है, वायरल की प्रॉब्लम काम करता है, नाक से पानी आ रहा है, छींक आ रही है, नाक बंद है तो वहाँ काम करता है। क्लोराफेनिरामिन एंटी हिस्टामिन है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बनने से रोकता है जो कि इन प्रॉब्लम के पीछे का कारण बन सकता है। कब बन सकता है उसके कारण, खांसी आ सकती है तो वहाँ काम करता है। बात करें डोज के बारे में, तो जो डोज होती है ये बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, डॉक्टर बता देते हैं। अगर नॉर्मल डोज की बात करें, अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल तक है तो 2.5 ml दिन में 3 बार ले सकता है, 2 साल से बड़ा बच्चा है 5-5 ml दिन में 3 बार ले सकता है, मैक्सिमम 3 बार ले सकता है। बात करें भाई साइड इफेक्ट के बारे में, तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि नींद आने में दिक्कत हो सकती है बच्चे को, बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी वगैरह हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, लेकिन ये हर किसी बच्चे में नहीं होते हैं, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी यही है, डॉक्टर की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। देने के बाद अगर बच्चे को कोई एलर्जी वगैरह, कोई स्किन रेसेज वगैरह हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को बताना है। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।